प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मोकामा पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उपचुनाव प्रत्याशी नीलम देवी के लिए किया प्रचार, भाजपा सरकार पर कसा तंज। ईमानदारी से जीतन राम मांझी बोले, भ्रम फैला रहे कुछ लोग, तेजस्वी यादव के बारे में नीतीश कुमार के बयान पर बताई अपनी राय। मुजफ्फरपुर में शराब ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद टीम पर हमला, एएसआई समेत कई जवान हुए चोटिल। भागलपुर में अजगैविक नाथ धाम में औरा नवी को लेकर उमड़ी भीड़, गंगा मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में 6 नवंबर तक बदला रहेगा मौसम, पूर्वानुमान जारी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन की प्रत्याशी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचे। मोकामा में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा बीजेपी सिर्फ झूठे वादे करती है। हम धन्यवाद देना चाहते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, आज जो परिस्थिति देखते हुए, जो देश का हाल था, जहां सारे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा था, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, ONGC बेच दिया, BSNL बेच दिया, सब बेच दिया, देश का संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के लोग, लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाह रहे थे। भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगैवीनाथ धाम में औरा नवी को लेकर बिहार झारखंड सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाट पर उमड़ पड़ी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हुए पूजा पाठ की। साथ ही औरा नवी को लेकर पंडित ने बताया कि ये दिन शुभ होता है, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करने से सारी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए खासकर यह पर्व महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो वहीं महिलाओं ने बताया औरा नवी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का औरा नवी के पेड़ के पास खिचड़ी का पकवान करते हुए पूजा पाठ और भोग लगाने से सारी मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक नहाने के बाद छठनवमी के दिन लोग दान पुण्य करता है, दान पुण्य करता है छठनवमी दिन, जो अपना श्रृंगार का चीज भुआ में लेके अपना सब जो अपना गुप्त दान उसमें दिया था। इससे क्या मनोकामना पूर्ण होती है? मनोकामना जरूर पूरा होता है, कार्तिक महीना जरूर मनोकामना पूरा करते हैं। एकादशी के बाद फिर एकादशी होता है, अष्टमी के बाद एकादशी। गंगा स्नान का तो काफी महत्व, गंगा स्नान करके दान ध्यान कीजिए, उसके बाद शाम को जो है आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनता है और सौ परिवार जा करके जो है सौ परिवार हम लोग पाते हैं, इसका काफी महत्व है, बहुत महत्व है। अब उतना गिनाने लगेंगे तो दो चार रोज लग जाएगा आपके यहाँ, इसलिए बस यही समझ लीजिए कि आंवला के जाकर के वृक्ष के नीचे शाम को जाकर के खाना पीना बनाइए, सौ परिवार खाइए और स्वस्थ रहिए। इसका बहुत बड़ा महत्व है, लोग आकर के गंगे दरबार में श्रद्धा से पूजा पाठ आराधना करता है, वंश की प्राप्ति होता है, मुंडन यहाँ बच्चे बुतरु का होता है, बाबा का जल भी यहाँ से जाता है, शरीर का कष्ट दूर होता है गंगा में आज बहाने से, गंगा में डुबकी लगाने से बहुत पुण्य। कैमूर में एक नवजात शिशु की BCG का टीका लगने से मौत हो गई, वहीं आक्रोशित परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। बता दें कि बच्चे को कुछ दिनों पहले BCG का टीका लगाया गया था, पर बच्चे की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा सदर अस्पताल में आकर बच्चे को दिखाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और सदर अस्पताल के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की
मांग की है। साथ ही हंगामे के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया। इस मामले पर सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक जांच टीम बैठाकर जांच की जाएगी और दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वही नहीं तब से हमारे बाबू ठीक करा ना एक भाई के हो गई ना। आयो बाबू हाँ इसी में दिया है तब ऊपर तीन महीना वाला लगता था जो वे वाला सुई। आयो भाई आयो बाबू हमारे बाबू कहाँ गई ना बाबू। डॉक्टर साहब से तो बात ही नहीं हुआ अभी। क्या नाम पड़ी आपका? फूलमती कुमारी। बच्चे को देखा परिवार साथ ही बात यही किया। उसका हिस्ट्री यही है कि उसका सातवें महीने में जुलाई में सदर अस्पताल में उसका डिलीवरी हुआ था। डिलीवरी के बाद उसके एसएमसी में बच्चा आठ दिन तक भर्ती था। आठ दिन बाद उसको डिस्चार्ज किया गया था। फिर चार महीने पर वो टीकाकरण दिलवाने के लिए 29 तारीख को लेके आया था यहाँ पर सदर अस्पताल में। 29 तारीख को उसका सारा टीका पड़ा है और आज पाँचवें दिन उसके तरफ बताया गया कि हमारा बच्चा जो है सर सुबह जगा है तो वो मृत था, मर गया था। ऐसे हैं मानिया थाना से, ठीक है। 29 तारीख को हम यहाँ पे भगुआ में आकर, मतलब हमारे परिवार आया था और इसको जीटी काजी का सुई लगा रहे हो बीसीजी का सुई लगा था 29 तारीख को। पहले से मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो रहा कुछ भी नहीं था, बच्चा स्वस्थ था, कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी उसको कुछ भी नहीं था। और 29 तारीख के बाद जब सुई दिया गया तो 30 और 31 और 1 तारीख बीता और मान लीजिए आज 2 तारीख है तो 1 तारीख कहीं रात में 4 बजे तक भी लड़का सही था। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ब्लॉक के समीप बाइक से लदे ट्रक कंटेनर में भीषण आग लगने पर 20 मोटरसाइकिल बाइक खाक हो गए जिसमें अफरा तफरी का माहौल मच गया। घटना की जानकारी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर दमकल गाड़ी लेकर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया और साथ ही जाम को हटवाया गया, लेकिन आग कैसे लगी ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। ये तो हमने जा रहे मैसूर से। हाँ मैसूर से। कितनी कौन सा गाड़ी था? ये अपाची गाड़ी था। अपाची कितना गाड़ी है ऊपर में? 20 गाड़ी। तो उसमें कैसे आग लगा? ये तार कहीं छू गया है। तार से आग लग गया। तार छूने से वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक तार से आग लगा यहीं पर। यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ मैंने जान नहीं पाया, लेकिन यहाँ पता चला है। हाँ इसी यहाँ पे मेरे को आदमी यहाँ पे जान निकलने लगा तो मेरे से पीछे से आदमी ने बोला कि भाई का धुआं निकल रहा है तो मैंने जाना। किस कंपनी का गाड़ी है ये? किस कंपनी का? मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड स्थित विंदा में भूमि विवाद में एक युवक के साथ जमकर मारपीट हुई। इसमें अपराधियों के द्वारा प्राइवेट में कांच की बोतल से हमले की बात सामने आई है। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इस मामले में पुलिस को अभी कोई शिकायत नहीं दी गई है। सुशील कुमार नाम का एक पेशेंट आया हमारे पास सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, जिसका हिस्ट्री था कि उसके पैखाने के रास्ते से खून आ रहा था। उसने बताया कि कुछ 2-3-4-5 लोगों ने मिलकर उसके पैखाने के रास्ते में कोई कांच का बोतल डाल दिया, तो प्राथमिक उपचार करके यहां से उसको एसटीएमसीएच मुजफ्फरपुर में रेफर किया गया है ताकि आगे का जांच और जो भी आगे के प्राथमिक उपचार करके वहां भेज। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने घेराव कर हमला कर दिया। घटना में एक एएसआई समेत कई जवान चोटिल हो गए। उत्पाद टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान लोग इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने उत्पाद विभाग की गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की और क्षतिग्रस्त कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल जवानों को अस्पताल भेजकर इलाज कराया जा रहा है।
स्थानीय शराब माफिया एवं शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया और जिसमें उत्पाद विभाग की एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी गई है और जो छापामार दल में लोग थे उनके ऊपर हमला किया गया है। यही मामला है। घायल भी हैं? हाँ, घायल हुए हैं, चोट लगी है। हाँ, और किसी पर कार्रवाई वगैरह? अभी सुराग लगाया जा रहा है और आगे और पूरा हमला कर दिया और दोनों गाड़ी पर शीशा ईंटा पत्थर किया और हम लोगों को ईंटा पत्थरवा करके इसे मारपीट किया हुआ है। लोग कितना लोग होंगे? बहुत लोग, आदमी पूरा गांव, पूरा का आदमी जुटल था। अच्छा, क्या चीज से हमला कर रहा था? ईंटा पत्थर चला रहा था और कोई लाठी डंडा से पीट रहा था। कई लोग घायल हुए हैं पुलिस कर्मी? अभी तो हम सब लोग का चोट लगा है, नहीं जा सकता। अभी तो हम प्रेजेंट में हमको गाड़ी भी तोड़ फोड़ हुआ है, गाड़ी का शीशा फूटा है। अच्छा, आप लोग कितने गाड़ी से थे? हम लोग तीन गाड़ी से थे। नालंदा के रामचंद्रपुर बस स्टैंड में खड़ी 5 बसों में देर रात आग लग गई। आग लगने के बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, मगर तब तक सभी बसें पूरी तरह जल चुकी थी। आग कैसे लगी इसकी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो सका है। तो वहीं इस घटना के बाद बस चालकों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। बस चालक अपने आप को भी असुरक्षित समझ रहे हैं। बिंदियावास में लगा हुआ था जिसमें आग लग गई, लहरते हुए हम देखे हैं। जब आए तो पूरे आग का तेजी माहौल होल था। इसी के दौरान दरबार में आया हाई ब्रिगेड, आया तो फिर बुताना शुरू किया तो बुता। जब तक गाड़ी जल कर राख हो चुका। कितना गाड़ी टोटल जला है? 5 गाड़ी है। छठा गाड़ी में भी धैला था लेकिन दमकल पहुँच गया था, उस समय बच गया। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र की आहार नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जिसकी खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना को लेकर मृतक के पिता ने बताया कि आहार नहर के पास पैर फिसलते ही युवक डूब गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया। मैदान करने गया या वो पैर ससर गया? क्या में ससर गया पैर? हाँ, पैर क्या में ससर गया? आहार पर से ससर गया। मौत हो गई इसे? हाँ, मौत क्या, हो गया। क्या नाम था? कौशल कुमार। कितना उम्र होता हुआ? 16 साल। घर कहाँ हुआ? हाँ, घर कहाँ हुआ? घर गोविंदपुर द्वीप पर। रोहतास के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के तार बंगला मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पति पत्नी को रौंद दिया, जिसमें पत्नी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं पति मामूली रूप से घायल हो गया। इस सड़क दुर्घटना के बाद गुस्साए लोगों ने NH2C पर टायर जलाकर आगजनी कर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया है और स्थानीय पुलिस प्रशासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर डेहरी नगर थाने की पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और सड़क जाम कर रहे लोगों को काफी मशक्कत के साथ समझा बुझा कर सड़क जाम को हटवाया। खुद रुक रहा था गाड़ी, यहाँ किनारे खड़ी हो रहे थे, आगे धक्का मार दिया ट्रक वाला। मरने वाले आपके कौन है? पत्नी है मेरी। क्या नाम है आपका? जी, नालंदा में बदमाशों ने रंगदारी नहीं देने पर रेस्टोरेंट संचालक को लाठी डंडे और रॉड से मारकर अधमरा कर दिया। घटना के संदर्भ में पीड़ित ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक बदमाश रेस्टोरेंट में आ गए और 10,000 रुपए प्रति महीना रंगदारी की मांग करने लगे। जब उनके द्वारा रंगदारी देने से मना किया गया तो बदमाश हथियार और रॉड लेकर उन पर टूट पड़े। इसके बाद मारपीट करते हुए काउंटर में रखे 85,000 के अलावा पर से 16,500 की लूट की। साथ ही बीच बचाव करने आया स्टाफ को भी बदमाशों ने मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तो वहीं इस संदर्भ में दीपनगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि 4 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है।
बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।